इस प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस को देख लें, हमसे कह रहा कैलकुलेट द चार्ज ऑन 26Fe56 न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास चार्ज पूछा, न्यूक्लियस के पास चार्ज कैसा पाया जाता है, प्लस का, और किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटोनों की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता नहीं है। हमसे कह रहा है कि गिवेन ए चार्ज ऑन ए प्रोटोन, देखो प्रोटोन के ऊपर चार्ज भी दे रखा, बस आपको प्रोटोन पता लग जाए ना कितने हैं तो आप चार्ज निकाल दोगे। तो यहाँ पर दे रखा आपको 26Fe56। अब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के पास उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो ये आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन आ चुके हैं, एन की वैल्यू कितना, 26। आपको एक प्रोटॉन का चार्ज दे रखा 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, और आपसे टोटल चार्ज पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन में लगा दिया हमने, क्यू इज इक्वल टू कितना होता है Ne, क्यू आपसे पूछ रहा है, एन दे रखा आपको 26 और ई कितना 1.6×10⁻¹⁹। 26 की जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो एक काम कर लो, पॉइंट हटाओ और यहाँ -1 और कर दो, तो ये हो जाएगा 26×16×10⁻²⁰। वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 26 की 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 26 की 16 से तो 6×36 260 एक हो गए, 26 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 260, और 26 की 6×2 = 120 ये हो गए, और 6×36 ये हो गए, तो 6×3 = 9 और 2×11 के एक कैरी 1, 2×1 = 3 और 1×4, तो ये हो जाएगा 416। तो ये आपके सामने 416×10⁻²⁰ है। पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, जब पॉइंट को दो प्लेस इधर को लेकर आऊँगा तो पावर क्या हो जाएगी, उतनी माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, माइनस का मतलब प्लस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू को छोटा करना चाह रहा हूँ, तो वैल्यू हमेशा प्लस में जाती है, तो प्लस होगी इसके अंदर प्लस का 2, तो बच जाएगा माइनस का 18। क्या यही आंसर दे रखा आपके पास, यस। तो आपके पास क्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है, इतने कूलाम। तो कोई टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करो भाई, इजी क्वेश्चन है और छोटे भी क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।